वाव, निफ्टी 50 में क्या गिरावट है, मतलब 1.27% की गिरावट है। और पिछले अगर बात की जाए 5 डेज की, तो देखिए अपने टॉप पर जाके जो गिरावट इसमें हुई है, और लगभग कितने 3.9% की गिरावट हुई है। तो ज़्यादा गिरावट तो नहीं कहेंगे, बट स्टिल अमेरिका बाजार भाग रहा है। कल की डेट में गिरा था, और उससे पहले 2 दिन लग कंटिन्यूस भागा था, बट अपना बाजार फिर भी अब गिर ही रहा था, बट नॉट एन इशू। तो इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट अभी जो एक पर्टिकुलर हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं, तो 4,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। क्या हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या हमें एंट्री के लेवल मिल गए हैं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, बट बिफोर दैट, आप सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बॉइस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में, और इसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराइए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम ग्रो कर सकें, हमारा चैनल ग्रो कर सके, और इसी तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक आपका अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अपना अकाउंट ओपन कराएं और एंजॉय करें। बहुत सारे बेनिफिट है, सेबी रजिस्टर्ड है, एंजॉय ब्रोकिंग नंबर 1 फर्म भी है। एज वेल एज एक और बात की जाए, तो यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है। तो अपनी इच्छा अनुसार जो आप दान करना चाहें, एक दान करिए, और एक महत्वपूर्ण काम में मदद करिए। एक राम जी का मंदिर बन रहा है, श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जाके आप डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, पहले उसका रिटर्न देख लेते हैं। 1 डे 1 वीक 1 मंथ, सेम ही, मतलब 4% की गिरावट। ओके, आपको दिखाई दे रही है 4% नीचे दिख रहा है। 3 मंथ 16%, कंपनी को आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, केवल 1 साल हुए हैं। ओके, 1 साल इस कंपनी को मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं आप। और अगर बात करें 1 साल में, तो 1 साल में 33% के रिटर्न्स, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न हैं, बुरा बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके, और अगर बात करें ना नीचे से, तो नीचे से इसने आपके पैसे को 2 गुना किया है इस शेयर ने, बट नॉट एन इशू। और आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो शेयर आज के दिन में 5% गिरा है। वो 5% क्यों गिरा है शेयर, तो इसके पीछे की वजह है कि इसमें से 4,000 करोड़ रुपए के शेयर आज की डेट में निकालते हुए एक ग्रुप दिखा है। अगर बात की जाए 5 डेज की, तो यहाँ पर देखिए 5 डेज से भी गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 1 मंथ देख लीजिए, 6 मंथ देख लीजिए। ओके, क्या अच्छी खासी इसमें जंप है। 1 ईयर का अगर चार्ट पैटर्न दिखाऊँ, जो कि मैक्सिमम भी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर की यहाँ पर आया था, फिर उसके बाद जिस तरीके से पेंडामिक आया, शेयर क्रैश हुआ। ओके, और उसके बाद जो भागता हुआ नज़र आया, तो आपके पैसों को डबल करता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। अगर बात करें यहाँ पर 970 रुपीज़ पे शेयर अभी चल रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 500 रुपये है, 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 1,150 रुपये है। और बात करें यहाँ पर डिलीवरी की, तो देखिए 48-49% की डिलीवरीज उठाई गई है, लगभग कितने, अगर बात करें लगभग 1,08,34,673 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। ओके, और बेशक से इसमें किसी ने भी शेयर बेचे हो, डजन मैटर, मैटर ही नहीं करता। ओके, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए दिखाई देंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.4% है, पब्लिक के पास 30 है, पब्लिक आज 30 भी नहीं है, इसमें FIIs DIIs भरे हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और डिविडेंड की बात करें, तो 1 रुपये का डिविडेंड 2020 में यहाँ पर कंपनी ने देता हुआ दिखाई दिया है, और कोई भी यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं रखा है अभी तक। ओके, और बात कर लेते हैं कौन सा शेयर है, तो शेयर है यहाँ पर देख लीजिए SBI कार्ड्स, SBI कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, जो अपने टॉप पर जाके यहाँ पर गिरता हुआ नमी नज़र आया, लगभग 10% गिर गया है। और लास्ट टाइम भी इसी तरीके से ये गिरा था शेयर, उसके बाद सॉरी उसके बाद ये शेयर गिरने के बाद इसी तरीके से भागा था। ओके, मुझे याद है शेयर शायद इस लेवल पर आया था, यहाँ पर 10% की गिरावट हुई थी, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर उसके बाद जो भागा था ना, फिर उसके बाद ये हाथ में आया ही नहीं, और लगभग 33% के रिटर्न दिए थे। तो ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है, SBI कार्ड्स बड़ा बेहतरीन शेयर है, जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है। ओके, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, लोग कई कार्ड से स्पेंड करते जा रहे हैं। ओके, लोग किसी को भी EMI पैसे नहीं होते, बट स्टिल अगर कुछ उन्हें ज़रूरत होती है, तो वो कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, और कार्ड से पेमेंट करके ओके, EMI बनवा के अच्छा खासा पैसा वो एक तो बैंक को दे देते हैं, SBI कार्ड को दे देते हैं। एज वेल एज अगर बात की जाए कार्ड सारे ही SBI कार्ड से, और अगर बात किया दूसरे नंबर का बैंक
कार्ड के मामले में है, और लिस्टिंग के मामले में इस मोनोपोली बिजनेस से कोई ऐसे अभी तक लिस्ट हुआ ही नहीं है। और बात करें नंबर वन HDFC आता है कार्ड्स के मामले में और भारत में, और फिर इसके बाद SBI आता है। और अगर बात की जाए जिस कंपनी ने ये बेचा है, यहाँ पर देख लीजिए कार्लेल एक कंपनी है जिसने 4% शेयर SBI के बेचे हैं, कितने परसेंट के रिटर्न के साथ, तो 970% के रिटर्न। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कार्लेल के पास 22% अगर बात की जाए 2017 में, ओके 22% के शेयर SBI कार्ड्स में लिए थे, कितने रुपए में, 2000 करोड़ रुपए में, ओके। और इसने ना 4% के शेयर 4000 करोड़ रुपए में बेचे हैं, और अभी भी इसके पास, पहले उसने OFS के थ्रू यहाँ पर निकाले थे जब IPO आया था, तो अभी भी इसके पास 16% के शेयर है। तो देखिए क्या SBI कार्ड्स ने क्या रिटर्न इसको कमा के दिए है कार्लिल आर्म्स को, कितने, मतलब 970% के रिटर्न। मतलब उसने 4% में ही उसके 2000 करोड़ तो निकल ही गए, 2000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और उसने OFS से बेचे थे वो भी प्रॉफिट है, और 16% के रिटर्न शेयर जो अभी है वो भी उसके केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जो आगे चल के बढ़ने वाला है। अगर बात करें हम यहाँ पर कुछ इसके फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पर देख लेते हैं SBI कार्ड्स, ओके यहाँ पर आपके सामने है। मार्केट कैप की बात की जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, ओके 96 131 करोड़ रुपीस की कंपनी है। ROCE ही 15 का है, PE 108 का है, बुक वैल्यू 62 है, जो 1000 कुछ के आसपास, ये शेयर 1900 के आसपास शेयर चल रहा है, और 36 के CAGR से पिछले 5 साल से कंपनी बढ़ रही है, और ROE पिछले 3 साल से लगभग 30% का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब तो बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखिए रेवेन्यू देख लीजिए मार्च में 2019 में 1983 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते ओके यहाँ पर अभी 2020 में 2403 करोड़ रुपये हो गया है। अगर बात करें प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, ओके यहाँ पर देखिए 2020 जून में यहाँ तक तो अच्छा खासा था, इसके बाद गिरावट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, लोग इतने स्पेंड नहीं कर रहे थे, लोगों की जॉब जा रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है वाई विल दे स्पेंड मनी, ओके तो खर्चे उन्होंने बंद करे, तो इस वजह से यहाँ पर गिरावट दिखी, बट दोबारा बैक टू बिजनेस कंपनी आ रही है, और लगभग 210 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हमें इस वीक क्वार्टर में होता हुआ नज़र आ रहा है। बट आगे जितना जल्दी जितने लॉकडाउन वगैरह शुरू होंगे, तो आगे चल के अगर बात की जाए, देखिए कार्लिल ने भी 4 साल रखा है यहाँ पर ये शेयर, आप भी अगर ये 4 साल रख लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 4 साल में आपके पैसे को इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देगा ये। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे भी अगर हम बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं रिवेन्यू ईयरली बेस पे सबसे ज़्यादा अभी का ही आया है, 12 महीने में 9400, अभी देख लीजिए प्रॉफिट 893 करोड़ रुपये का है, जो कि मार्च 2020 में ओके सबसे ज़्यादा था। इसके बात करें रिजर्व्स की, तो देखिए बहुत बेहतरीन रिजर्व्स, जो कभी 2014 में माइनस में थे, आज की डेट में लगभग 5000 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग बोरिंग ऑब्वियस सी बात है, बोरिंग का ही काम है, तो इसलिए इसकी बात करेंगे ही नहीं। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करें, 680 करोड़ रुपये का कैश है, एसेट बढ़ते जा रहे हैं, कैश फ्लो तो नेगेटिव में अपन नज़र आ रहा है, बट नॉट एन इशू। अगर बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास 70 अगर बात करें 69.4% की होल्डिंग है, जिसमें SBI के पास ही सबसे ज़्यादा है, SBI इंडिया, SBI जो SBI बैंक है अपना। FIIs की बात करें, तो FIIs के पास 5.84% की होल्डिंग है, ओके। DIIs की बात करें, तो DIIs के पास 3.9% की होल्डिंग है, और पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक के पास केवल और केवल 5% की होल्डिंग है, बाकी ये देखिए CA रोवर होल्डिंग ने भी 15% की शेयर यहाँ पर ले रखे है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ आपको, ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इसे ऐसे ही जज मत करिए, ओके। और अगर ये आपको और नीचे मिलता है ना, तो अगर ये आपको और भी नीचे मिलता है, तो इसे धीरे धीरे SIP करके एक्यूमुलेट करते रहिए, काफ़ी बेहतरीन अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हुए फ्यूचर में नज़र आएंगे। और अगर बात करें इसके RSI वगैरह की, देखिए यहाँ पर एक रेड सिग्नल था, ओके सेलिंग का सिग्नल था, यहाँ पर आया है ये शेयर, नॉट एन इशू, ओके। थोड़ा बहुत अगर और गिरावट मिलती है, तो अभी देखिए 38 के RSI पे ये शेयर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, और अगर थोड़ा सा और गिरता है, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये अलग तो भागेगा नहीं, तो ये भी गिरता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने सेलिंग करी है 4% शेयर की, तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग वाला जो लाइन है वो बनता, वो वॉल्यूम आपको नज़र आया है। तो और नीचे मिलता है तो एक्युमुलेट करिए, और लॉन्ग टर्म
टाइम के लिए भूल जाइए, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो डिस्क्लेमर यही है कि आप अपनी अपने हिसाब से इसकी ड्यू डिलीजेंस करिएगा, ओके, खुद की स्टडी करिएगा, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, ओके। ये नॉलेजेबल वीडियो था जो मैं आपको बताना चाहता था, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।